हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रदर क्लास। आज हम आपको बताने वाले हैं रिवीजन टेस्ट, आपके सामने लेके आए हैं क्लास 11th इतिहास का। चलिए आप देख लेते हैं ये किस प्रकार का है। ये इतिहास का पेपर जो 18 मार्क्स का है। सबसे पहले देख लेते हैं किस प्रकार का प्रश्न पत्र। तो सही विकल्प है यहाँ पर, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, एक शब्द एक वाक्य में। फिर 5 नंबर से लेकर सारे प्रश्न आपको यहाँ पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ पर ओटी के साथ आपको प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर जितने भी सारे आपके 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पर सारे कवर कर लिए मैंने। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसके लिए पूरा पीडीएफ में अटैच कर रखा है आपको। तो आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पर ओटी के साथ आपके 3 नंबर के और 2 नंबर के सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओटी से। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ओटी से। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया ओटी में, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, ठीक है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, दजला फरात नदी। कौन सी है, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो विकसित हुई थी। लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया है, तो जो लेखन की कला है आविष्कार सर्वप्रथम किया गया है कहां से किया गया था, मेसोपोटामिया में। कहां किया गया था, मेसोपोटामिया ने, ठीक है। आगे चलते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या, जो रोमन साम्राज्य होता है, रोमन लोग होते हैं, उनका जो प्रमुख साम्राज्य का धर्म क्या होता था, यहाँ पर आपको याद रखना है यहूदी, ठीक है। यहूदी जो रोमन साम्राज्य होते वो यहूदी होते, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा, इतिहास में इस घटना को कहा जाता है। जो पैगंबर मोहम्मद थे यानी मुस्लिमों के जो गुरु, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को मक्का छोड़ना पड़ा था, क्यों, इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हिजरी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, हिजरी कहते हैं, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर कोलंबस अमेरिका पहुंचा, जो कोलंबस था जिसने खोज की थी, तो सबसे पहले कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, तो अमेरिका पहुंचा था 1450 में। कब पहुंचा अमेरिका कोलंबस, 1450 ईस्वी में कोलंबिका, मतलब कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो रिक्त स्थानों में आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रथम खलीफा थे, तो प्रथम खलीफा थे अबू बकर, ठीक है। याद रखना है आपको, अबू बकर जो है वो क्या थे, प्रथम खलीफा थे, ठीक है। अबू बकर इस तरह भी आप लिख सकते हैं, अबू बकर भी या बकर भी, ठीक है। याद रखना है आपको, अबू बकर प्रथम खलीफा थे। सर्फ को कहा जाता है, सर्फ को क्या कहा जाता है, झागो वाली सैनी लहर। सर्फ को क्या कहते हैं, झागो वाली सैनी लहर, ध्यान रखना आपको, झागो वाली सैनी लहर कहते हैं, ठीक है। रोम में सिक्कों को कहा जाता है, जो रोम होते हैं वहां पर क्या कहते हैं, रोम में सिक्कों को विनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाइल, याद रखना है आपको, रोम में सिक्कों को विनाइल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार थे, कौन थे, मोनालिसा नामक चित्र के चित्रकार कौन थे, तो इसमें हो जाएगा लियो लिनार्डो दा विंची, ठीक है। लियो लिनार्डो दा विंची आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर पीडीएफ अटैच कर दिया, तो वहां पर भी आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते आगे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करने वाले हूँ प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आपको सही जोड़ी बतानी है। सही जोड़ी के लिए आ और बा दो कालम दे दिए हैं पहले से। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं, सामंतों का निवास स्थान कहाँ पर था, जो सामंत थे उनका निवास स्थान यहाँ पर आमने सामने दिया गया है, सीनेट ही उनका निवास स्थान था, ठीक है। रोम, रोम का क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, रोम के लिए आपको मैनर कर लेना है, क्या करेंगे आप, रोम में मैनर करेंगे, ठीक है, मैनर। इंका सभ्यता, इंका सभ्यता में आपको पेरू कर लेना है, 2 नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, इंका सभ्यता में आपको पेरू कर लेना है, ध्यान रखिएगा। सामंतों का निवास स्थान सीनेट हो जाएगा, फिर रोम का हो जाएगा मैनर, फिर इंका सभ्यता का पेरू कर लेना है। औद्योगिक क्रांति आपको पता ही होगा कपड़ा में आई थी, तो औद्योगिक क्रांति आपको कपड़ा निर्माण सामने दिख रहा है। टेलीफोन की खोज भी ग्राहम बेल ने की, आपको पहले से ही पता होगा अगर आप स्टडी मटेरियल को डेली पढ़ते होंगे तो, ठीक है। फिर भी मैं आपको सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप बात कर लेते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर की, तो एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपके सामने मैं बता देता हूँ। सामंतवादी व्यवस्था में नाइट कौन थे, तो जो सामंतवादी में नाइट कौन थे, तो कुशल घुड़सवार को कहा जाता था, ठीक है। याद रखना है, कुशल जो घुड़सवार होता था उसे हम बोलते थे नाइट, ठीक, याद रखना है आपको। अल्टामीरा, जो अल्टामीरा गुफा की खोज कब और किसने की गई थी, ठीक है, जो अल्टामीरा की जो गुफा है खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज के लिए आपको याद रखना है ये स्पेन में है, कहां पर है, स्पेन में है। मारिया सतोला 1889-80 के बीच में इन्होंने खोज की थी इसको, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रिंसिपेट किसकी स्थापना किसने की, तो इसको मैं आपको अगले, मैंने पीडीएफ के आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ही देर में।
चलिए इसमें बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं यहाँ पर दो नंबर और तीन नंबर के पूरे प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ आज के सिंगल वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार एमपी बोर्ड की जो रिवीजन टेस्ट सीरीज चल रही है हम लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट भी कर सकते हैं रिवीजन टेस्ट पर, वहां पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, ऋतु प्रवास का क्या तात्पर्य है, जो ऋतु प्रवास है उसका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं ऋतु प्रवास में, ऋतु प्रवास मौसमी रूपांतरण है, ठीक है। ऋतु प्रवास क्या होता है, एक मौसमी रूपांतरण होता है, मौसम का जो बदलना होता है किस तरह से, जैसे ऋतुएं बदल जाती है इसलिए इसे ऋतु प्रवास बोलते हैं, ठीक है। हिबू अक्षर किस भाषा का रूप है, जो हिबू अक्षर है वो किस भाषा का रूप है, तो आपको याद रखना है हिबू अक्षर जो है वो इजरायली भाषा का है, ठीक है, याद रखना आपको इजरायली भाषा, ठीक। हिबू अक्षर क्या है, इजरायली भाषा का रूप है। अब बात कर लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताएं क्या है, प्राइमेट से क्या अभिप्राय है आपका, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं, 2 और 3 नंबर के अंक के प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ का मैं सारा यहाँ पे आपको पीडीएफ पे अटैच कर दिया। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उत्तर क्रमांक के आप फर्स्ट जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर देख सकते हैं, दजला फरात मेसोपोटामिया यहूदी हिजरी और 1450, ठीक है। दो में आप देख सकते हैं अबू बकर जागो वाली सैनी लहर, फिर बिनायल, फिर आप लियो तो लियोनार्डो विंची, ठीक है। चौथा हो जाएगा फिर उत्तर क्रमांक 3 देख सकते हैं जिसमें मैंने सही जोड़ी आपको बताई थी, तो सही जोड़ी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में बात करते हैं एक शब्द वाले उत्तर पर, तो एक शब्द का उत्तर मैंने यहाँ पर बकायदा आपको नोट कर दिया है। फिर बात कर लेते हैं प्रश्नों की, तो प्रश्नों को मैंने यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक पूरे 15 तक के सारे प्रश्न कवर कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने छूट गया था प्रश्न क्रमांक 4 का 3 आपको याद होगा तो आप यहां से नोट कर लेंगे, 23 सितंबर से 63 ईसा पूर्व 19 अगस्त 14 ईस्वी तक रोमन प्रिंसिपेट के संस्थापक थे और ईसा पूर्व में 14 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक रोमन साम्राज्य को नियंत्रित करने वाले पहले रोमन सम्राट माने जाते हैं, ठीक है। ये आपको यहां से स्क्रीनशॉट ले लेता है, इससे सटीक उत्तर यहां पर इसका नहीं मिला इसलिए यहां पर आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, या फिर आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपके लिए बेहतरीन नंबर के चांसेस रहेंगे, ठीक। एक नंबर के लिए काफी सटीक उत्तर रहेगा आपका ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की 2 विशेषताएं आपको लिखनी थी, तो मेसोपोटामिया की जो 2 सभ्यता की विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पर, अपनी समृद्धि शहरी जीवन विशाल तथा समृद्ध साहित्य गणित तथा खगोल के लिए जानी जाती है। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी, ठीक है। इसके शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर तथा अवकद कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कद कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। मैं उसे पढ़ानी की जो प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, इसका उत्तर आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हैंड राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की, प्रश्न क्रमांक 6 में आप देख सकते हैं स्तनधारियों में एक यूरोबैंगिन बंधन होता है, प्राइमेट में योनि और मूत्र मार्ग से अलग अलग बाहरी आउटलेट होते हैं, इसके अलावा उनके पास एक योनि और बाहरी रूप से प्रमुख और मामूली होठ है, यो ओनि खोलने और भक्षेप की सुरक्षा के लिए, ठीक है। प्राइमेट्स की एक बड़ी संख्या में भक्षेप में एक छोटी हड्डी होती है जिसे हम बुबेलम कहते हैं। बहुत ही सटीक मैंने प्रश्न कोशिश की आपको बताने के लिए ताकि आपके एक भी नंबर मिस ना होने पाए, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया, 3 से जो 2 और 3 अंकों के प्रश्न थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7 की, प्रश्न क्रमांक 7 में आप देख सकते हैं सामंतवाद क्या है। सामंतवाद में बात कर लेते हैं तो मध्यकालीन युग में इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा थी, उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत होते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान या दास हुआ करते थे, ठीक है। यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन था, राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था। सामंतवाद जो व्यवस्था चलती थी उसमें मध्यकालीन युग में जो था तो इंग्लैंड और यूरोप की प्रथा चल रही थी, वहां पर उसके नीचे विभिन्न कोटि के सामंत रहा करते थे और सबसे निम्न स्तर में किसान और दास हुआ करते थे, ठीक है। यह रक्षक और अधीनस्थ लोगों का संगठन होता था, राजा समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था, याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 8 की, प्रश्न क्रमांक 8 में आप देख सकते हैं यहाँ पर उपनिवेश या कॉलोनी किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहां उस राज्य की जनता निवास करती है, ठीक है। उपनिवेश या कॉलोनी किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं जहां उस राज्य की जनता निवास करती है। दूसरी श्रेणी के उपनिवेश और यही अधिक प्रचलित प्रयोग है अफ्रीका अथवा ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजों के, ठीक है। जो ये वर्ड प्रयोग किया गया था कॉलोनी का, तो उपनिवेश के लिए कॉलोनी का वर्ड प्रयोग किया गया, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। प्रश्न क्रमांक 8 इस तरह आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट भी लेकर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, प्रश्न क्रमांक 9 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 9 मक्का, ठीक है। मक्का अरबी शाब्दिक आदरणीय मक्का इस्लाम का पवित्रतम शहर है, ठीक है। मक्का जो है इस्लाम धर्म का पवित्र शहर है जहां पर
काबा तीर्थ, क्या है यहाँ पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम, पवित्र या विशाल एक मस्जिद है मक्का का, ठीक है। मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा जो इस्लाम के पांचों स्तंभों में से एक है के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हर साल करीब यहाँ पर 40 लाख हज यात्री मक्का आते हैं, जो कि अभी कोरोना काल में थोड़ा सा डैमेज हो गई थी, यहाँ की यात्रा बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी ये काफी इस्लाम धर्म के लिए काफी पवित्र स्थान है जो कि काफी मान्यता भी रखता है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 पहुंच चुके हैं जिसमें आपको सारी चीजें मैंने पहले बताई है। सबसे पहले शहरी क्षेत्र निर्माण क्षेत्र की तुलना में संसाधन प्रदान करने में बहुत अधिक कुशल थे। शहरी क्षेत्रों में आवास, स्वच्छ पानी, बिजली जैसी महत्वपूर्ण और बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों के विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचना काफी आसान होता है। यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के बारे में तुलना करनी थी आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की सुविधा होती है, ठीक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में बहुत ही अधिक कुशल होते हैं। शहरी क्षेत्रों में आवास होता है, स्वच्छ पानी होता है, बिजली जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं होती हैं, बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा हो गई और कहीं आने जाने की सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बसें चलती रहती है, सारी सुविधाएं जो है आपने खुद की माइंड से भी सोचकर आसानी से नोट कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत आ रही तो हमारे सटीक प्रश्न को आप समझ सकते हैं, काफी अच्छा मैंने कोशिश की, समझ में भी आया और अच्छा आप लिख भी सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है, क्या होता है, सरकंडे जैसा पौधा होता है जो नील नदी के किनारे हुआ करता है, जो नील नदी के कहाँ होता है, किनारे पर होता है। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती है, जो लिखने की सामग्री है उसको तैयार किया जाता है। प्रिंसिपिट जो है, प्रिंसिपिट से आप क्या समझते हैं, तो यह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो 27 ईस्वी पूर्व में आर्गेंट्स ने गणतंत्र शासन का लगता था पलट दिया था, ये स्वयं सम्राट भी बन गए थे, ठीक है। ये पूरी जानकारी आप यहाँ समझ सकते हैं, जो पौधा होता है लेखन सामग्री को तैयार करता है, इसका उपयोग जो तो व्यापक रूप से भी अब किया जाता है। पेपायरस पत्रों पर हजारों संविधाएं, लेख पत्र, सरकारी दस्तावेज लिखे हुए पाए गए, ठीक है। ये पुराने समय में भी लिखा जा रहा था, कुछ समय से बंद कर दिया गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 जो है, 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध होते रहते थे, शौकीय कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट कहलाते हैं, जो नाइट मैंने अभी बताया था आपको, कुशल घुड़सवार को कहते हैं नाइट, ठीक है। वह लॉर्ड से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबंध है। नाइट की भूमि का एक भाग जिसे फीक कहा जाता है, यानी फीफा कहा जाता था, उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता है। यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए पंचक्री और मदिरा संपीडक के अलावा उसके व उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे, बदले में नाइट अपनी लाडो को एक निश्चित धनराशि देना था, ठीक है। युद्ध में उसकी ओर से लड़ने का वचन देना था तथा नाइट अपनी योग्यताओं को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करने में निकाल देते थे। यानी जो नाइट का काम था, प्रतिदिन वो अपना अभ्यास करते थे, जो उनके पास कृषि की भूमि थी वो भी किसको दिया करते थे, किसानों से जुतवाते थे और उन्हें एक निश्चित राशि भी देते थे, ठीक है। यही से जो हमारा 9th का हिस्ट्री का पेपर था वो समाप्त होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो एमपी बोर्ड को रिवीजन टेस्ट आ रही है लगातार 9th, 10th, 11th, 12th की आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल सकते हैं वीडियो सारे। फिर मिलेंगे रिवीजन टेस्ट के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।